सिंगापुर सिटी से बड़ी खबर। चाय पीते युवक पर बाइक सवार दो बदमाशों ने की देसी कट्टे से फायरिंग। 108 ने कराया अस्पताल में भर्ती। गंभीर अवस्था के चलते जयपुर रेफर। गंगापुर सिटी शहर में बुधवार शाम करीब 4 बजे जयपुर रोड ट्रक यूनियन और खंडेलवाल धर्मशाला के बीच चाय पीते एक युवक पर बाइक सवार दो बदमाशों ने देसी कट्टे से फायरिंग कर दी। गोली युवक के पैर में लगी और घायल अवस्था में सूचना पर मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस घायल को गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर पहुंची। यहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत होने पर डॉक्टरों ने उसे जयपुर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार सुनील कुमार पुत्र कैलाश मीना हाल निवासी नसिया कॉलोनी रामसिंहपुरा अपने दोस्त अनिल कुमार के साथ दो अलग अलग बाइकों से चाय पीने के लिए ट्रक यूनियन और खंडेलवाल धर्मशाला के बीच रुके थे। यहां चाय की दुकान पर दोनों चाय पी रहे थे। इसी दौरान जयपुर रोड ईदगाह से बाइक सवार दो जने आए और इनमें से एक ने देसी कट्टे से फायरिंग कर दी, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी और भगदड़ सी मच गई। फायरिंग के बाद दो गोली सुनील मीना के पैर में लगी। घटना के बाद 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को लेकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल आई। यहां घायल का प्राथमिक उपचार किया गया। सूचना पर पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर, पुलिस उपाधीक्षक बाबूलाल बिश्नोई, कोतवाली थाना अधिकारी जितेंद्र और सदर थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। वहीं हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के बाद घायल की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे जयपुर रेफर कर दिया।